हमारे प्रदेश के अध्यक्ष क्रांतिकारी नेता आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, टीकाराम जी जूली साहब, धारीवाल जी, सयम जी लोटा, राजकुमार जी, समस्त विधायकगण, हमारी महिला नेत्री और समस्त कार्यकर्तागण, साथियों, वक्तागण काफी है, दो दो मिनट में अपनी बात कहनी है, मैं दो मिनट में ही अपनी बात पूरी करूंगा। आप जानते हैं कि आरएसएस और बीजेपी से कांग्रेस की लड़ाई बहुत पुरानी है। जब देश के अंदर आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आरएसएस के रूप में ये अंग्रेजों की मुखरी करने का काम करते थे। आपको याद होगा 1947 में आजादी मिली और 1948 के अंदर ये नाथूराम गोडसे इन्हीं की विचारधारा का व्यक्ति था जिसने गांधी जैसा 80 साल का बुजुर्ग नेता, जिसने इस देश को अहिंसा के रास्ते पर ले जाकर आजादी दिलाने का काम किया और इस आदमी ने गोडसे ने गोली मारने का काम किया। उस वक्त भी एक अंग्रेज ने लिखा था कि महात्मा गांधी जैसे नेता को कोई गोली मारने वाला व्यक्ति ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई नरभक्षी है। ऐसा आदमी जिंदगी में काम नहीं कर सकता, वो काम नाथूराम गोडसे ने किया। आज उसी विचारधारा को आगे मोदी और अमित शाह बढ़ा रहे हैं। अगर आप देखेंगे, कभी राहुल गांधी जी को जेल भेजने का काम करते हैं, कभी ये झूठा मुकदमा लगाने का काम करते हैं, जब ये जेएनयू में जाते हैं तो इनको राष्ट्रद्रोही बनाने का काम करते हैं, जब ये राफेल की बात उठाते हैं तो इनको मुकदमा लगाने का काम करते हैं। साथियों, हमें कहते हुए घमंड है कि आज महात्मा गांधी के रास्ते पर चलकर इस राहुल गांधी को इन्होंने जो पप्पू बनाने की घोषणा की, और उन्होंने कभी भी उन्होंने 3500 किलोमीटर पैदल यात्रा की, राजस्थान में भी 500 किलोमीटर पैदल चले, उसके बाद 6000 किलोमीटर बसों में यात्रा की, और आज हमें कहते हुए खुशी है कि मोदी ने जो नारा दिया अब की बार 400 पार, इन्होंने हमारी पार्टी ने पूरे प्रदेश पूरे भारत के अंदर इंडिया गठबंधन ने इनको 240 पे लाके छोड़ दिया। अब इन्होंने बौखला कर पहले कभी ईडी को आगे किया, कभी इन्होंने मीडिया को आगे किया, और आज पूरे केंद्र में ठीक का संयम जी ने 94 MP इनके अंदर जो बने हुए सारे के सारे अपराधी लोग हैं, केंद्र में अपराधी लोगों का एक गिरोह बन चुका है, और जो गृह मंत्री है वो तरी पार रहा है। इसलिए साथियों, हमें दोबारा लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज महात्मा गांधी, आज उनकी डेथ होगी 1948 में, लेकिन गांव गांव में मूर्ति आपको महात्मा गांधी की मिलेगी, जगह जगह विचारधारा महात्मा गांधी मिलेगी। इसलिए मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, अब ये गिरता हुआ पेड़ है भारतीय जनता पार्टी का। आज ये 400 की जगह 240 पे आ गए, और बैसाखी के सारे सरकार चल रही है। राहुल गांधी ने नारा दिया है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। उन्होंने ये भी कहा है कभी भी डरो मत, वो हमेशा टकराने की नियत रखते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राहुल गांधी को, उन्होंने कहा पार्लियामेंट में कि जब मेरा स्पीच हो मोदी एक बार पार्लियामेंट में बैठ के बता दे, उसकी हिम्मत नहीं है बैठने की। उन्होंने ये भी कहा है कि आप जब भी वो बोलने खड़े होते हैं, तो उन्होंने एक बार कहा मोदी जी मेरे से आंख मिलाओ, अगली बार आपको गुजरात में हराने का काम करेगी। इसलिए साथियों, इस बार अभी मैंने जब बुलाया हमारे आपके अध्यक्ष जी जो आपके बीच में विराजमान है, इस 15 तारीख को हमने डूंगरगढ़ के गिरडी गांव में 25,000 किसान हमारे डोटासरा जी का स्पीच सुनने के लिए आए। इसलिए ऐसे अध्यक्ष को तालियां बजा के स्वागत कीजिए। और डोटासरा साहब, बीकानेर में 8 विधानसभा है, आप जिस विधानसभा का कहोगे हम आपसे पल लेके जा रहे हैं कि मोदी के खिलाफ इनको उखाड़ने के लिए, इनको नेस्तनाबूद करने के लिए हमारी कोई भी मीटिंग होगी 15 और 20,000 के बीच में नहीं होगी, ये भी मैं संकल्प लेके जा रहा हूँ। 5 साल नहीं बैठेंगे, और जब तक ये भाजपा और आरएसएस को उखाड़ के नहीं फेंक देंगे,
कांग्रेस का कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा। आप तो आगे बढ़ते जाइए, हमारा राहुल गांधी हमारा नेता मजबूत है, हमारा नेता अशोक गहलोत मजबूत है, हमारा नेता जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके लिए लोग आजकल जो है इंतजार में बैठे रहते हैं। अभी भी मेरे पास फोन आया है कि आप लूनकणसर में प्रोग्राम दो, आप कोलायत में प्रोग्राम दो, और सबका मन एक ही है कि आने वाले समय में हमारा किसानों की पार्टी बने, कांग्रेस का राज स्थापित हो, और ये भाजपा और आरएसएस का जब तक सूपड़ा साफ नहीं होगा हम आपके कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और कांग्रेस को सत्ता में लाएंगे। इसी के साथ आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय कांग्रेस, जय हिंद, जय।